मंगलम भगवान वीरो मंगलम मंगलम कुंद कुंदाद्यु जैन धर्मस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम सर्व धर्मणां देवे तुषासन अज्ञान तिमरां धनां ज्ञान तिमसलाख्य चक्षुरं तुम मीन तस्मै श्री परम गुरुवे नमः परम गुराचार्य शिवर्वे नमः नमः समय साराय शोन भूत्याच कास्ति चेस भावाय भावाय सर्वे भावांतर चली मंदित सुब सिद्धि रोम चलम रूप भवं गदीम पत्ति मुच्छामी समय भावर में मोसन के लिए चलता था। देखो 85 नंबर की गाथा टीका चलती है। कल एक बात कही थी कि जगत में जो क्रिया है सो सब ही परिणाम स्वरूप होने से वास्तव में परिणाम से भिन्न नहीं है, परिणाम ही है और परिणाम भी परिणामी से भिन्न नहीं है, क्योंकि परिणाम और परिणामी अभिन्न वस्तु है, भिन्न भिन्न दो वस्तु नहीं है। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि जो कुछ क्रिया है वह सब ही क्रियावान से भिन्न नहीं है। क्रिया और क्रियावान द्रव्य दो चीजें भिन्न नहीं हैं, ये सिद्ध कर रहे हैं। और ये सिद्ध करने का मतलब प्रयोजन ये है कि क्रिया परिणाम से अभिन्न है। परिणाम और क्रिया का अंतर कल बताया था। परिणाम तो जो प्रति समय होता है उसे कहते हैं, और उस परिणाम का होते रहना, परिणाम का होना और उसका होते रहना, जैसे ज्ञान उत्पन्न हुआ, जानना, फिर जानते रहना, वो क्रिया है। परिणामों का होते रहना अनेक समय तक, उसका नाम क्रिया है। तो कोई भी क्रिया परिणाम से भिन्न नहीं है, क्योंकि परिणाम का परिणमन ही क्रिया है। क्रिया परिणाम से अभिन्न है और परिणाम परिणामी माने द्रव्य से अभिन्न है। तीनों की अभिन्नता है। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि क्रिया द्रव्य से अभिन्न है, द्रव्य से भिन्न कोई क्रिया हो सकती नहीं, और क्रिया से भिन्न द्रव्य रह सकता नहीं। इसका मतलब ये है कि जिस द्रव्य की जो क्रिया है वही द्रव्य उस क्रिया को करने में समर्थ है। अन्य द्रव्य की क्रिया को अन्य द्रव्य करे, ये तीन काल में किसी भी प्रकार से समर्थ संभव नहीं है ये बात। क्योंकि क्रिया हो वो इधर और क्रियावान है कोई दूसरा द्रव, तो दूसरे द्रव की दूसरे द्रव रूप क्रिया कैसे हो जाएगी? ख्याल में ही ना बात। अग्नि का उष्णता रूप परिणमन और पानी का शीतलता रूप परिणमन, तो द्रव हो पानी और उसकी क्रिया हो वे अग्नि रूप, ये संभव है? और क्रिया हो पानी रूप और द्रव हो जावे अग्नि रूप, तो ये संभव नहीं। ये सिद्ध कर रहे हैं आचार्य देव के व्यवहार से जो निमित्त निमित्त संबंध भी कहा था वो भी
सदोष निरूपण है। निमित्त नैमित्तिक संबंध की चर्चा सदोष निरूपण है, निर्दोष निरूपण नहीं है। निर्दोष निरूपण तो ये है वस्तु स्वरूप का कि क्रिया परिणाम से अभिन्न है, परिणाम द्रव्य से अभिन्न है, इसलिए क्रिया का कर्ता द्रव्य है, कोई दूसरा द्रव्य किसी द्रव्य की किसी परिणमन रूप क्रिया का कर्ता तीन काल में भी संभव नहीं। ये जो भाषा वर्गणा के परमाणु निकलते हैं वाणी के, आत्मा इस वाणी को करे तीन काल में संभव नहीं है ये, क्योंकि ये जो क्रिया हो रही है द्रव्य रूप से ओंठों का हलन चलन, जीभ तालु कंठ इनका हलन चलन, फिर उसके निमित्त से भाषा वर्गणा रूप शब्दों का निकलना, ये सब वो कोई एक द्रव्य का काम थोड़ी है, एक द्रव्य का काम नहीं है, अनंत द्रव्यों का झुंड है। यह एक शब्द का निकलना उसमें अनंत द्रव्यों का परिणमन होता है, एक शब्द बनने में ये कंठ तालु ओठ जीभ दांत ये सब, ये तो वाह्य अवलंबन है, निमित्त है। मूल तो है भाषा वर्गणा जो शब्द रूप परिणमित होती है, और एक भाषा एक शब्द में अनंत भाषा वर्गणाएं होती हैं। कैसा जंजाल सारे जगत में भरा हुआ है पुद्गल द्रव्यों का, यद्यपि वे भाषा वर्गणा अरूपी नहीं है, रूपी है, पर उनका सूक्ष्म परिणमन होने से अपन आंखों से दिखाई नहीं देता। देखो अरूपी हो वे भाषा वर्गणा तो ये माइक अरूपी द्रव्य को ग्रहण नहीं कर सकता, रूपी को पकड़ता है, तो ये माइक शब्द को पकड़ लेता है, इससे सिद्ध है कि शब्द रूपी है, लेकिन उसका सूक्ष्म परिणमन है, सूक्ष्म स्थूल परिणमन है। सूक्ष्म इसलिए कि आंखों से दिखाई नहीं देता, और स्थूल इसलिए कि पकड़ में आती है वाणी, कान भी तो आखिर स्थूल इसलिए कि पकड़ में आती है, तो कान भी तो पकड़ लेते हैं उसको, स्थूल नहीं हो तो यहां मुंह से निकला हुआ शब्द कान में पहुंचता है तो कान पकड़ लेते हैं। अरूपी चीज को नहीं पकड़ते इंद्रियां, रूपी को पकड़ने में समर्थ है। तो पुद्गल का कोई भी परमाणु का परिणमन हो उसमें चार गुण तो होते ही हैं, स्पर्श रस गंध और वर्ण। फर्क यह है कि वर्ण गुण का जिस परमाणु में या पुद्गल में स्थूल परिणमन होता है वो चक्षु इंद्रिय गोचर हो जाता है, और वर्ण गुण का जिसमें सूक्ष्म परिणमन होता है वो चक्षु इंद्रिय के गोचर नहीं होता। लेकिन चक्षु इंद्रिय के गोचर नहीं हुआ, कर्ण इंद्रिय के गोचर हो गया, तो इससे सिद्ध हुआ कि स्थूल है शब्द, पकड़ में आ गया। देखो कैसा विचित्र परिणमन है पुद्गल का, देखो जरा, बहुत सी चीज आंखों से दिखती है पकड़ नहीं सकते, वो धूप है यहां छाया है, अपनी परछाई होती है, उस परछाई को देखा जा सकता है, हाथ से पकड़ा जा सकता है। तो देखो स्थूल परिणमन है, उसका स्थूल सूक्ष्म परिणमन है कि स्थूल माने आंखों से दिखाई दे रही है लेकिन पकड़ नहीं सकते, और भाषा का सूक्ष्म स्थूल परिणमन है कि आंखों से दिखाई नहीं दे रहे शब्द लेकिन पकड़ सकते हैं, छिड़ सकते हैं। देखो आओ ऐसा किया तो छिड़ गए ना शब्द, इस माइक ने पकड़ लिया, कान ने पकड़ लिया। तो कहने का मतलब यह है कि भाषा रूप परिणमन पुद्गल द्रव्य करने में समर्थ है, आत्मा भाषा के परिणमन में किसी प्रकार का आत्मा का कर्तृत्व तो संभव ही नहीं। भाषा के परमाणुओं को आत्मा परिणमन करा दे ये संभव नहीं है, कि फिर जैसा अपन सोचते हैं वैसे ही तो शब्द निकलते हैं, कि ये इसी का नाम निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसी का नाम निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि वर्तमान में ऐसी योग्यता है
ये द्रव्य इंद्रियों की और भाव इंद्रियों की कि जैसे भाव सोचता है उसके अनुकूल भाषा वर्गणा निकलती है, कभी निकलती है कभी नहीं भी निकलती है, उसकी योग्यता के ऊपर निर्भर है। और यहां सोचा और यहां निकली, इसका नाम निमित्त नैमित्तिक संबंध है, बन गया निमित्त नैमित्तिक संबंध। आत्मा के विकल्प हुए उस कार्य के करने के, उसी प्रकार के अनुकूल भाषा वर्गणा निकली तो निमित्त नैमित्तिक संबंध कहने में आता है, क्योंकि दो काम एक साथ एक समय में हुए। लेकिन यहां आचार्य देव सिद्ध कर रहे हैं कि भले दो काम एक साथ एक काल में हुए हैं, उसमें एक जितना संकल्प विकल्प रूप परिणमन है वो आत्मा का है, जान्य रूप परिणमन है वो आत्मा का है, और शब्द रूप परिणमन है वो आत्मा का नहीं है, वो पुद्गल द्रव का है। सो दोनों के परिणमन के कर्ता कौन है, आत्मा है कि पुद्गल? कि आत्मा अपने परिणमन का कर्ता है, पुद्गल अपने परिणमन का कर्ता है, परिणमन का काल दोनों का एक, काल एक है, भाव एक नहीं है, कर्ता एक नहीं है, कर्म एक नहीं है। समझ में ना बात? ये अभी आगे बहुत खुलासा आएगा इसका, कि एक द्रव्य दो क्रियाओं का कर्ता नहीं हो सकता। आत्मा जानने का काम भी करे और शब्द रूप भी परिणमे, और दो द्रव्य एक क्रिया के कर्ता नहीं होते। क्या कोई भी जैसे शब्द रूप परिणमन है तो आत्मा और पुद्गल ने मिलके बनाया हो उसको, ये सब बहुत स्वतंत्रता है वस्तु स्वरूप की। ये जो अधिकार है कर्ता कर्म अधिकार, इसका दूसरा नाम वस्तु स्वतंत्रता का अधिकार भी अपन कह सकते हैं। ये अधिकार वस्तु की अनादि अनंत स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला है। और इन्हीं सारी बातों को निचोड़ के, जैसे बहुत सारे मेवा मिला के एक लड्डू बना देते हैं ना, ऐसे टोडरमल जी साहब ने सारे जिन सिद्धांतों को निचोड़ के उसमें समय सार का कर्ता कर्म अधिकार आ गया, प्रवचन सार का ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार आ गया, इस सारे को निचोड़ के एक लड्डू बना दिया, एक टेबलेट बना दी। क्या टेबलेट बना दी? कि अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं, कोई किसी के अधीन नहीं, कोई किसी के परिणमन कराने से परिणमित नहीं होती, सबका परिणमन स्वतंत्र और सारी मेवा मिष्ठान मिला के एक लड्डू बना दिया, ये खा लो तुम बस। समझ में ही ना बात? देखो पूरे सिद्धांत को गठित कर दिया ना थोड़े शब्दों में, कुछ बचा नहीं, द्रव्य भी आ गया, गुण भी आ गए, और उसकी अनादि निधन वस्तुएं क्या है जी? द्रव्य स्वभाव, द्रव्य भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं, सबकी अपनी अपनी मर्यादा है, वो उनका स्वभाव है, गुण है, और परिणमित तो होती हैं वो उनकी पर्याय। तीनों आ गए, द्रव्य आ गए, गुण आ गए, और ये वस्तु स्वरूप है, कोई किसी के अधीन नहीं, सब अपना अपना परिणमन कर रहे हैं स्वाधीन, भले अनंत परिणमन एक साथ हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? ख्याल में ही ना बात? किसी ने आवाज लगाई जय के जयकारे की, जय हिंद, और लाखों लोगों ने एक साथ कहा जय हिंद, तो इनने बोला इसलिए कहा? कोई कर्तृत्व है एक का दूसरे के साथ कि सबका परिणमन बिल्कुल भिन्न भिन्न और स्वतंत्र है? अनंत द्रव्य भले एक साथ एक जैसी एक धारा में परिणमित हो, लेकिन फिर भी एक का दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं है। देखो अग्नि है, अग्नि
अग्नि शरीर है, अग्नि काय है ना, काय, काय माने शरीर। तो पुद्गल के अनंते परमाणु एक साथ उष्णता रूप परिणमित हो जाते हैं। ये पेट्रोल रखा है बिल्कुल ठंडा, समझ में ही ना बात, और इसमें माचिस लगाई तो एकदम वो ठंडे रूप परमाणु थे पुद्गल के, उन्हीं का तो उष्णता रूप परिणमन हुआ है। बोलो कहां से आया वो, कहां से आया वो परिणमन, उष्णता आई कहां से? देखो पुद्गल की शक्ति का भी विचार करो कि एक क्षण पहले वे सारे परमाणु शीतलता शीतलता रूप परिणमन कर रहे हैं, और एक क्षण में वे सारे परमाणुओं का एकदम उष्णता रूप परिणमन हो गया। बोलो कितनी शक्ति और सामर्थ्य है उन पुद्गल के परमाणुओं में, एक क्षण में शीतल, धीरे धीरे गर्म तो नहीं हुए वे? वो ही लिक्विड था ना पेट्रोल तरल, और एक हिसाब से पेट्रोल तो जलकाय में ले सकते हैं अपन, पानी में निकलता है ना पाली में, तेल तेल समझ लो, लेकिन उसका जो स्वरूप है वो तो पानी जैसा है, पानी में से ही निकलता है, जहां से पानी निकलता वहीं से पेट्रोल निकल गया है, लेकिन वो जलकाय एक क्षण में अग्निकाय रूप परिणमित हो जाता है। समझ में ही ना बात, हो गया कि नहीं हो गया बोलो? तो उन पुद्गल के परमाणुओं में कितनी शीघ्रता से परिणमन करने की योग्यता है, ये ख्याल में आती कि नहीं आती है बात? कोई गरम तो नहीं किया, गरम काय से करोगी, गरम जो भी है वो अग्नि ही है वो तो। गैस है, गैस वो वायु काय है कि नहीं? जो पेट्रोल जल काय समझ लो अपन उसको तरल होने से, और गैस है वो वायु काय है, और वायु काय भी एक क्षण में अग्निकाय रूप परिणमित हो जाता है, और जल काय भी एक क्षण में अग्निकाय रूप परिणमित हो जाता है। ख्याल में आएगा नहीं बात? देखो इस तो ये पुद्गल के परिणमन है, उसमें परिणमन करने की शक्ति और सामर्थ्य है। मेरा ये कहना है कि वे अनंता अनंत, अनंता अनंत है उसमें, और वे एक साथ उष्णता रूप परिणमन कर गए। तो किसने किसको परिणमन कराया, कहने का मतलब ये है वे सारा एक एक परमाणु उसमें जो जो शीतलता रूप परिणमन कर रहा था, वो एक एक परमाणु का शीतलता गुण उष्णता रूप परिणमित हुआ अपनी अपनी योग्यता से। बोलो कौन ने कराया, सब हो गए कि नहीं एक साथ? है उनमें योग्यता। इस समय तक इन परमाणुओं का शीतलता रूप परिणमन होना है, इस क्षण से इनका उष्णता रूप परिणमन प्रारंभ हो जाएगा, हमें खबर हो चाहे ना हो, लेकिन केवल ज्ञानियों के ज्ञान में उसकी क्रमबद्ध में निश्चित है कि ये परमाणु अभी शीतलता रूप परिणमन कर रहे हैं, थोड़े समय बाद ये परमाणु उष्णता रूप अग्नि रूप परिणमित हो जाएंगे। बोलो अभी जो जल काय है फिर कुछ समय में अग्नि काय हो जाएगा, अभी जो वायु काय है कुछ समय में जो अग्नि काय हो जाएगा। भाई काया है ना, काया वायु काय, तो वो काया तो पुद्गल है, और वो ही पुद्गल जो गैस रूप थी वो अब अग्नि रूप परिणमित हो गई। लो तो वो वायु काय की जो काया है ना वो अग्नि काय रूप परिणमित हो गई। है तो वो भी पुद्गल, वायु काय का शरीर है वो भी पुद्गल है, जल काय का शरीर है वो भी पुद्गल है, अग्नि काय का शरीर है वो भी पुद्गल है। और देखो जल काय वनस्पति काय बन जाती है, नहीं बनती? जल काय
वनस्पति काय बन जाती है, बनती के नहीं? वही पानी वनस्पति में जाता है और वनस्पति काय बन जाता है। तो सब चल रहा है कार्यक्रम एक एक, लेकिन वहां किसने किसका प्रणमन कराया, कहने का मतलब ये है जो इतने अनंत परमाणु जलकाय से अग्निकाय बने, जलकाय से वनस्पति काय बने, वायुकाय से अग्निकाय बने, उनको प्रणमन किसने कराया? उनमें योग्यता थी तो प्रणमन हुआ कि ऐसे ही किसी कोई भगवान बैठा है ऊपर कराने वाला? बोलो, ऐसी बात है? और भगवान कराता है तो पुद्गल का को ही अग्नि रूप क्यों परिणमाता है? आकाश द्रव्य को भी परिणमा दे, जीव में भी आग लगा दे, तो किसी में सामर्थ्य नहीं? क्यों सामर्थ्य नहीं है? अरे जीव में सामर्थ्य नहीं है अग्नि रूप परिणमन करने की, न करने की, परिणमन करने की सामर्थ्य है, न परिणमन कराने की सामर्थ्य। आत्मा में न अग्नि रूप परिणमन करने की सामर्थ्य है, न कराने की सामर्थ्य। पुद्गल में सामर्थ्य है परिणमन करने की, तो अपनी योग्यता से परिणमन करता है, तुम्हारे कराने से परिणमन के आखिर पेट्रोल में आग तो हम नहीं लगाई, कि तुमने आग नहीं लगाई, आग तो उसमें अपनी योग्यता से लगी है, और वे परमाणु अग्नि रूप परिणमित अपनी योग्यता से अपने स्वकाल में हुए हैं, तुमने तो आग लगाने का परिणाम किया परिणाम किया, परिणाम के कर्ता धर्ता भोक्ता स्वामी मालिक तुम, तुम्हारे परिणाम के कर्ता धर्ता भोक्ता तुम, पुद्गल के परिणाम का कर्ता धर्ता स्वामी मालिक पुद्गल, वो स्वयं अपनी सटकारक रूप सामर्थ्य से अग्नि रूप परिणमित हुआ है, तुमने कुछ नहीं किया उसमें, ऐसी सब जगह लगा लेना। कर्तृत्व का अहंकार नहीं करना, वस्तु स्वरूप से देखने की आदत डालो, तब दृष्टि सम्यक होगी, ज्ञान सम्यक होगा। उससे फायदा क्या हुआ? इससे कुछ फायदा है कि नहीं? अरे इससे ये फायदा है कि तुम्हें जीवन में कोई भी स्थिति परिस्थिति संयोग दुखी कर सकते नहीं है, दुखी नहीं कर सकते कोई तुम्हें। ख्याल में ही ना बात, तुमने गैस में आग लगाई, एक कपड़ा जल गया, घी फैल गया, नुकसान हो गया, अब क्या करो? या तो तुम कर्ता बनोगे या दूसरे को कर्ता मानोगे तो दुखी होगे कि तूने ऐसा कर दिया, तूने ऐसा कर दिया, तूने ऐसा कर दिया। और तुम वस्तु के स्वरूप का उस समय विचार करोगे कि किसी ने कुछ नहीं किया, जो होना था सो हुआ, फिर गुस्सा किस पे आएगा बताओ? अरे इस द्रव्य का, इन परमाणुओं का इस काल में इसी प्रकार का परिणमन होना था, ऐसी ही उन परमाणुओं के परिणमन की योग्यता थी, जैसे पेट्रोल में जलने की योग्यता थी तो कपड़े में भी तो जलने की योग्यता होती है, कपड़ा जल गया अरे एक एक परमाणु परमाणु की स्वतंत्रता का विचार करो, गुस्सा का क्रोध का क्या काम है वह? जो होना है सो निश्चित है, दो दो तरह से निश्चित है, एक तो वस्तु के स्वभाव में निश्चित है कि इस द्रव्य का इस काल में ऐसा परिणमन होना है, दूसरा अनंत केवल ज्ञानियों के ज्ञान में निश्चित है कि इस द्रव्य का इस काल में ऐसा। अब बोलो दुख का अवसर कहां है वहां बताओ? वस्तु के स्वरूप का विचार कर लो और चाहे केवल ज्ञानी का विचार कर लो,
दोनों एक से मिलते हैं बिल्कुल, उनमें रंच मात्र भी अंतर नहीं आता। जैसा वस्तु स्वरूप का परिणमन होना है वैसा ही केवल ज्ञानियों ने देखा है, जैसा केवल ज्ञानियों ने देखा है वैसा ही परिणमन होना है, दोनों में किंचित मात्र भी हेर फेर नहीं। तो बोलो, इस सिद्धांत को जानने से जीवन में समता आएगी कि नहीं आएगी? और नहीं तो समता का कौन सा कारण है बताओ? मुनिराज जंगलों में रहते और परम समता भाव से जीते हैं। समता ही सुख है, समता में ही आनंद है, संभाव में ही आनंद है। और मुनिराजों का जीवन इसका साक्षात उदाहरण है। अरिमित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरण अर्घाव तारण असि प्रहारण में सदा काय के दम पे। इस वस्तु स्वरूप के ज्ञान के बल पर, वस्तु स्वरूप वस्तु की व्यवस्थित व्यवस्था के ज्ञान के बल पर उन्हें जगत का कोई परिणमन अनुकूल प्रतिकूल भासित ही नहीं होता। और जब अनुकूल प्रतिकूल परिणमन भाषित नहीं होता तो किसी के प्रति राग और किसी के प्रति द्वेष नहीं होता। और जब राग नहीं और द्वेष नहीं तो संभाव, और वो संभाव उनके स्वरूप की आराधना में काम आता है। क्योंकि किसी भी विकल्प में पड़ गए अपन, अरे गाली दे दी इसने और ऐसी ऐसी दी, अब तुम गालियों का विचार करने लगे। इसने नमस्कार नहीं किया, इसने वंदना नहीं करी, इसने चरण नहीं छुए, ये ढंग से झुका नहीं हमारे सामने। लो अब करते रहो विचार उस पे, वो करते रहो, लगाते रहो अपने परिणामों में आग। जब तक अंदर में मिथ्या और अज्ञान है तब तक जीव को दुखी होने से कोई बचा सकता नहीं। और मिथ्या और अज्ञान चला जावे तो जीव को कोई दुखी कर सकता नहीं। बोलो, मिथ्या दृष्टि सदा दुखी, क्षण क्षण में दुखी। तुमने जय जनन नहीं करी वो दुखी हो जाएगा, भले उसमें तुम्हारी गलती ना हो, तुमने देख नहीं पाया हो, कुछ भी हो, या जानबूझ के भी नहीं करी हो, जरूरी है कि हम करें? लेकिन अच्छा, जय जिनेन्द्र नहीं करी, देखूंगा मैं इसको ऐसा वैसा, अपने परिणामों में आग लगा रहा है बिना बात के। वो थोड़ा सा वस्तु स्वरूप का घूंट पी ले, तत्व विचार का घूंट पी ले तो वहीं सारी दुख वेदना समाप्त हो जाए। अरे नहीं करी तो नहीं करी उसका काम, ये द्रव्य ऐसा नहीं परिणमा तो नहीं परिणमा उसका परिणमन। मैं कौन होता हूं अपनी इच्छा के अनुकूल परिणमन कराने वाला? सारा जगत मेरी इच्छा के अनुकूल परिणमन करे ऐसा है क्या? बोलो, अभी थोड़ी और अंदर की कड़क बात करूंगा तो फिर हजम नहीं होगी। क्या इसमें 13वें नंबर की गाथा में है? मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, 13वें नंबर की गाथा में यह सिद्धांत निरूपण किया आचार्य देव ने। उसमें यह लिखाना कि जीव अजीव तत्व रुआश्रव बंधर शंबर जानो निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को ज्यो का त्यो। सात तत्व का ज्यो का त्यो श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा, तो वह सात तत्व को ज्यो का त्यो श्रद्धानो लिखा, तो उसकी टीका में व्याख्या करी। वो टीका में की व्याख्या में लिखा है कि आश्रव का परिणाम माने राग का परिणाम, द्वेष का परिणाम, कसाय का परिणाम, जिस काल में जो परिणाम होने योग्य होगा उस काल में वो परिणाम होगा,
उसे कोई टालने में समर्थ नहीं। क्या? और भेद भी किए, द्रव्याश्रव का भी भेद किया और भावाश्रव का भी भेद किया, माने दो तरह के भेद कर दिए। एक तो भावाश्रव, भावाश्रव में जो रागादि भाव होने योग्य होंगे वे होंगे, और द्रव्याश्रव में उस रागादि भाव तो अपनी योग्यता से होने योग्य हुआ, और उस समय जो कर्म के परमाणु आने योग्य थे वे कर्म के परमाणु आएंगे, बोलो, और जो बंधना योग है वे बंधेंगे, और जितने काल तक राग होना होगा वो होगा, एक एक समय के परिणाम व्यवस्थित हैं, बोलो, रोका नहीं जा सकता उनको, ऐसा लिखा है, रोका नहीं जा सकता, होने योग्य शब्द लिखा, होने योग्य, जब होने योग्य ही है तो उसे रोके कौन। तीन लोक में, तीन काल में, जिस द्रव्य का जिस काल में जो परिणमन होने योग्य होता है उसको इंदोवा अहजिणिंदोवा कोई भी टालने में समर्थ, ऐसी जबरदस्त वस्तु की व्यवस्था है। उस सब का लिखा, फिर आश्रव का परिणाम भी होने योग होता है, वंद का परिणाम भी होने योग होता है, और संवर का परिणाम भी, धर्म का परिणाम भी होने योग हो। बोलो, निर्जरा का परिणाम भी होने योग होता है, भाव निर्जरा होने योग होती है, और द्रव्य निर्जरा के परमाणु भी जिनको जाने की योग्यता है वे जाते हैं, सभी तो नहीं चले जाते, जिनमें जाने की योग्यता होती है वे जाते हैं, जिनमें रहने की योग्यता होती है वे रहते हैं। बोलो, सब थोड़ी जाते हैं, तो एक एक परमाणु परमाणु का परिणमन स्वतंत्र है। ऐसे मोक्ष भी होने योग्य होता है, भाव मोक्ष भी होने योग्य होता है, और द्रव्य मोक्ष भी होने योग्य होता है। और ऐसी ही जिसको श्रद्धा है, क्या है, ये दो तत्व हैं, जीव और अजीव, और उनके जो सात पांच रूप पर्याय हैं, आश्रव बंध संबंध निजराव मोक्ष, जीव अजीव दो तत्व है ना, लिखा भी है गाथा में लिखा, जीव अजीव तत्व अरु आश्रव बंधरु संबर जानो निर्जर मोक्ष कहे जिन तिनको ज्यो का त्यो, बस उनको ज्यो का त्यो जिसने श्रद्धान कर लिया, आश्रव का आश्रव रूप, बंध का बंध रूप, संबर का संबर रूप, निर्जरा का निर्जरा रूप, और मोक्ष का, और जीव का जीव रूप, और अजीव का, जीव का जीव रूप, अजीव का अजीव रूप, द्रव्य का द्रव्य रूप, पर्याय का पर्याय रूप। बोलो, ज्यो का त्यो श्रद्धान, उसका नाम सम्यक दर्शन है। इस सम्यक दर्शन की गाथा है 13वें नंबर की। अरे सारी गाथाएं सम्यक दर्शन की है, 38 नंबर की गाथा तक। ज्ञान की मुख्यता से बात नहीं है, उसके बाद जो अजीब अधिकार है उसमें ज्ञान की मुख्यता से कथन है कि भैया ये सब अजीब है, राग असी अजीब है, ये सब अध्यवसान मिथ्यात्व अज्ञान, ये सब अजीब है, ऐसा जानो, वो ज्ञान की मुख्यता होगी। बाकी 38 गाथा तक सारी गाथाएं सम्यक दर्शन कराने के लिए लिखी है। बोलो, किसी भी प्रकार से जीव को वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो, श्रद्धान हो, एक ही प्रयोजन है। बोलो, इसके बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा। रोटी खाने से सम्यक दर्शन नहीं होता, शुद्ध खाओ चाहे अशुद्ध खाओ, सम्यक दर्शन का उससे कोई संबंध नहीं कि अशुद्ध वाले को नहीं होगा, शुद्ध वाले को तो होगा, तो रोटी से होगा। बहुत रोटियां खाई तूने सम्यक दर्शन के लिए, पर नहीं हुआ। अरे रोटी का सम्यक दर्शन से क्या संबंध, तो फिर अशुद्ध खाते रहो, कि हम खाने की बात ही नहीं कर रहे ना, कि अशुद्ध से होता है कि शुद्ध से, खाना अलग चीज है। तू सम्यक दर्शन कर ले, फिर देख लेना, जैसा खाने का भाव आया सो सब सम्यक दर्शन ही है फिर।
और सम्यक दर्शन करके देख कुतर्क करता है, तो फिर अशुद्ध खाते खाते हो जाएगा। तू सम्यक दर्शन कर ले, जैसा खाते खाते हो जाए तू सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ कर। सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ कर। अरे तू शुद्ध अशुद्ध खाने की बात करता है, खाने का भाव ही मुश्किल हो जाएगा आना। क्या मुनिराजों को ऐसी धुन रहती है स्वभाव की कि आहार का विकल्प आ जाए तो महाकष्ट होता है, लेकिन देह की स्थिति की खातिर उस विकल्प की पूर्ति के लिए जाना पड़ता है, जाने की भावना नहीं। कितना कष्ट होता होगा कल्पना नहीं कर सकते। जंगल में बैठे हैं पहाड़ की चोटी के ऊपर, ध्यान में निमग्न है, विकल्प आया है। अब विकल्प आ गया, आहार को जाना है, समय हो गया। घड़ी देख के तो नहीं होता, सूर्य की स्थिति को देख के होता है। निकल गया आहार को, देह को तो रखना है, क्योंकि देह छूट जाएगी तो असंयम में चले जाएंगे। इसलिए जब तक इससे कार्य सिद्धि हो तब तक इसको रखना बचा के। ये तो तब संलेखना आदि ली जाती है जब पता पड़ जाए कि अब ये घसीटने वाली भी नहीं है, चलने वाली तो नहीं है लेकिन अब ये घसीटने वाली भी नहीं है, तो शांति से इसको त्याग के चले जाते हैं, बस आहार आदि लेते हैं। कोई रसना इंद्रिय आदि के पोषण के लिए नहीं, देह के पोषण के लिए नहीं, खाली देह की स्थिति के लिए। समझ में ही ना बात, बहुत उसके भेद किए हैं, कैसा मिला, किसके यहां मिला, इसका विचार नहीं करते। सरस है, नीरस है, बस गड्ढे को जैसे पूरा भरना है, वह ऐसी बात है। आता है विकल्प, कितना कष्ट होता होगा। अब बोलो अपने अच्छे भले आत्म ध्यान में, आनंद में, शांति में लीन थे, अब विकल्प आ गया है? अब पहाड़ से उतरेंगे। मैं तो कुंद कुंद आचार्य देव का विचार करता हूं। कुंद कुंद आद्री जगह जिसने देखी हो, वहां रहे, उनका अंतिम काल बीता ऐसा कहते हैं। और वहां के 10 किलोमीटर आसपास, 4-5 किलोमीटर तो पहाड़ की ऊंचाई है, और 5-1 किलोमीटर आसपास कोई गांव आज भी नहीं है, घनघोर जंगल, घनघोर जंगल। करीब 10-12 किलोमीटर दूर पे छोटे छोटे गांव हैं आज। तो उस समय कोई घनघोर जंगल तो शुरू से ही रहा है ऐसा लगता है, कोई बस्ती तो रही नहीं होगी, तो पहाड़ पे तो रही नहीं होगी, वैसे ही पहाड़ जंगली एरिया, घनघोर जंगल पूरा का पूरा। अब उनको विकल्प आया, समझ लो पहाड़ के ऊपर बैठे, तो कितना कष्टमय है काम। 5 किलो पहाड़ उतर के आओ, आज तो रोड बन गई, उस समय तो पगडंडियां भी मुश्किल से होंगी। उतर के आओ, फिर 5-1 किलोमीटर चल के किसी गांव में जाओ आहार के लिए, और आहार मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, जरूरी नहीं है जो प्रतिज्ञा लेके गए वो विधि मिल जाए, और विधि मिल जाए तो निरंतराय आहार हो जाए, ये भी जरूरी नहीं। एक ग्रास लिया और अंतराय हो गया, बाल निकल आया, समझ लो चलो अंतराय हो गया, खत्म। अब जाओ दोबारा लौट के वापस 10 किलोमीटर वापस जाते होंगे कि नहीं जाते होंगे, भूखा पेट। ऐसा नहीं है, ये सरल नहीं है, बाह्य साधना भी सरल नहीं है मुनि दशा के। इसलिए उत्कृष्ट संघनन वालों के लिए लिखा है, अच्छा संघनन हो तब बाह्य साधना होती है। खाली अंदर का बल भी अकेला काम नहीं करता, शरीर का संघनन भी तो चाहिए बाह्य साधना के लिए भी। 28 मूल गुणों का पालन, निरतिचार पालन, निर्दोष पालन, कोई दोष ना लगे बाह्य क्रिया में भी इतनी सावधानी, 15 परिणामों में भी सावधान, परिणाम भी मलिन ना हो, देह की खातिर क्षुधा तृषा की वेदना भी हो, 2 दिन आहार ना मिले, 3 दिन ना मिले,
तीन दिन का उपवास और आहार को निकले और आहार नहीं मिला, मिला तो अंतराय हो गया, फिर लौट के वापस आ गए। जरूरी है दूसरे दिन जाएंगे तो आज तो गारंटी है। बोलो, सब व्यवस्था पुण्य पाप के अधीन है वहां भी पूरी, और मुनिराजों को उस पर ठोस बिल्कुल पक्का भरोसा होता है। आज आहार लेने जा रहे तो आज तो मिलेगा, ऐसा नहीं, मिलने की योग्यता होगी तो मिलेगा, नहीं मिलने की योग्यता होगी तो। इसलिए कहते भैया अपनी शक्ति संभार, शक्ति देख के ये सब काम होते हैं। ये मुनि दशा बढ़िया है, बढ़िया है तो सब हो जाओ, चलो यही उतार दो आज कपड़े। लेकिन ऐसे कपड़े उतारने से क्या होगा बोलो, इतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट, समझ में ना बात। पहले अंदर से तो पक्का हो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो मजबूत हो, अंदर से कसायों का अभाव हो, अंदर से निर्ममत्तपना हो, अंदर से अनंत समता भाव प्रकट हो, अंदर से अनंत ज्ञान वैराग्य जगे, ये अंदर की सामग्री है, अंदर की तैयारी है, जिसके बल पर बाह्य में जीव नग्न मुनि दशा को अंगीकार, और अंदर में कछु तैयारी नहीं है तो अकेले कपड़े उतारने से कुछ नहीं होने वाला है। अनंत बार उतार दिए और अनंत बार पहन लिए, क्या होता है, कर्म फिर पहना देता है कि जाओ फिर पहन लो। क्यों क्यों पहन ले, कि अभी अंदर से तो उतरे नहीं है, अंदर के तो उतारो, अंदर के 14 प्रकार के परिग्रह का तो त्याग करो, मिथ्यात्व का तो त्याग करो, अज्ञान का त्याग करो, कसायों का त्याग करो, समझ में ना बात। ये योग्यता है, पात्रता है, तब जाके वो बाहर की साधना भी यथा योग साधती है। अद्भुत है वो तो काम, ख्याल में ना बात। तो मैं ये कह रहा था कि उन मुनिराजों को यदि इस वस्तु स्वरूप की श्रद्धा ना हो कि जिस काल में जिन परमाणुओं का जिस रूप परिणमन होना है सो होगा, आहार के परमाणुओं का इस देह रूप परिणमन होना है तो होगा, नहीं होना है तो नहीं होगा, जितने परमाणुओं का होना है उतना होगा, जिनका नहीं होना है उनका नहीं होगा, जब होना है तब होगा, जिनका होना है उनका होगा, जितना होना है उतना होगा, जिस रूप में होना है उस रूप में होगा। बोलो, सब व्यवस्थित ज्ञान रहता है, इसलिए सब परिस्थितियों में संभव रहता है। हेती ताकत अंदर में है तो चलो, इतनी ताकत है अंदर में तो फिर तरो चलो, बाहर की भी तैयारी हो जाए, समझ में आई ना बात। तो अंदर की तैयारी बाहर, ये तो ये कह रहे बाहर की तैयारी के लिए इतनी अंदर की तैयारी चाहिए। सारा बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ अंदर की तैयारी का होता है। वो तो जब इतने वैराग्य की प्रबलता होती है, बाढ़ जैसी अंदर में वैराग्य की आती है, तो फिर घर गृहस्थी कपड़ा वस्त्र कुछ नहीं रुसता, बस है? फिर एकांत वास रुसता है, और स्वरूप की उग्र आराधना के लिए वे मुनिराज वन जंगलों में चले जाते हैं। समझ में ही नहीं बात। अंदर से मार्ग है बाहर का, बाहर से अंदर का नाप नहीं है। बाहर के कार्यक्रम तो अपन ने अच्छी तरह से भी बहुत बार किए, अपन ने किए, कोई जीव ऐसा बचा नहीं। मुनिव्रत धार अनंत बार गिरीवक तक गया है, तो निर्दोष पालन किया 28 मूल गुण का, कसाई की मंदता करी, खूब बैराग बाहर का जगा, लेकिन केवल एक आत्म आराधना के मार्ग से वंचित रहा। सम्यक दर्शन भेद विज्ञान आत्मज्ञान आत्मानुभूति एक काम नहीं हुआ, और सब हो गया, ज्ञान भी खूब हो गया, वैराग्य भी हो गया,
निवृत्ति लेके चला भी गया मंद कसाय पूर्वक, खूब बढ़िया साधना भी करी, ऐसा नहीं कोई उसमें दोष लगाए, और उसके फल में नौवें गृहयोग तक भी गया, उसके फल में ऐसा थोड़ी, लेकिन सब हुआ, पर रहा संसारी का संसारी। इन सब करने के बाद भी इस सारी क्रिया में एक संसार के भव को घटाने की भी सामर्थ्य, और एक अकेला सम्यक दर्शन का परिणाम प्रकट हो जाए तो उसी समय अनंत संसार अनंत भव घटे बिना खलास, संसार ही खलास हो जाता है, पूरा सागर सूख के चुल्लू भर रह गया है? रह जाता भव सागर चुल्लू भर, एक सम्यक दर्शन के होते, इतनी कीमत है सम्यक दर्शन की, क्योंकि सारी जो परेशानी है, सारा संसार का परिभ्रमण है, सारे झगड़े की जड़ है, वो एकमात्र अपने आत्म स्वभाव को भूलना है, बस एक आत्म स्वभाव को भूलना ही सारे अनंत घोर संसार के दुखों का कारण है, अनंत संसार परिभ्रमण का कारण है, और एक आत्म स्वभाव को जानना, बस भूल मिटी, स्वभाव को जाना और खत्म। तो ऐसा है जैसे पैर में कांटा घुस गया, अब वो भयंकर तकलीफ दे रहा, कांटा नहीं निकाले, वो सारे उपचार करे, एक आसन कर लिया, उपवास कर लिया, दान दे दिया, सब कर ली, पूजा कर ली, भक्ति कर ली, दर्द जैसा का तैसा, भाई दर्द तो कांटे का है, कांटा निकल जाएगा तो दर्द ठीक हो जाएगा। ऐसे व्रत किए, संयम किए, एकासन किया, उपवास किया, स्वाध्याय किया, सब किया, दया दान पूजा भक्ति सब कर लिए, लेकिन दर्द तो मिथ्यात्का था, वो मिथ्यात्का परिणाम आज तक निकला नहीं, वो सम्यक दर्शन का परिणाम आज तक हुआ नहीं, बस सारे दुख की जड़ मिथ्यात है, और सारे दुखों के अंत आने का कारण एकमात्र सम्यक दर्शन आत्मानुभूति, बस ये निष्कर्ष है, अनंत तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि का निष्कर्ष है। पर बात यह है कि तेरी समझ में कब आता है, बस जब समझ में आ जाएगा उस समय ही बस भला है, बस जो समझे सो निहाल, और जब समझे तब निहाल, और जहां समझे वही निहाल। ख्याल में ही ना बात, खाली बोले नहीं, समझे, जाने, अनुभवे, बोलो। ऐसा मार्ग है, एक एक सिद्धांत तो जीवन के अनंत दुखों का अभाव करने के लिए है, एक एक गाथा जीवन के अनंत दुखों का अंत करने के लिए है। ए वस्तु स्वरूप जानो, याथा तथ्य जानो, ज्यों का त्यों जानो, ज्यों का त्यों निर्णय कराने के लिए इतनी कितनी पुरुषार्थ कर रहे आचार्य जी, बताओ, तर्क से, युक्ति से बार 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 समझा रहे, कैसे ही बैठे तो बैठे तो जिसकी बैठ गई जाओ, बस बैठ गई ना जाओ, बैठ गई अब जाओ, अब अपना काम करो, तुम्हें रास्ता दिखा दिया, जाओ। ऐसा मार्ग है, इसलिए आचार्य देव सिद्धांतिक बात कर रहे हैं कि कोई भी क्रिया हो वो परिणाम रूप होती है, और कोई भी परिणाम हो वो परिणामी रूप होता है। क्रिया, परिणाम और परिणामी तीनों एक ही वस्तु हैं, भिन्न भिन्न नहीं, इसलिए परिणामी माने द्रव्य ही अपने परिणमन का करता है, दूसरा कोई द्रव्य किसी के परिणमन को तीन काल में करा दे ये संभव, तो ये सिद्धांत है ना। अब इस सिद्धांत के हिसाब से ये उंगली कौन हिलाता है, अब ये इतना सिद्धांत पढ़ लिया, अब अपन प्रैक्टिकल करें, ये उंगली कौन हिलाता है, तो विचार करो कि उंगली क्या है, उंगली क्या है, अनंत पुद्गल द्रव्य के परमाणुओं का पिंड है, अनंत पुद्गलों का पिंड है उंगली,
तो फिर उंगली कौन हिलाता है? अपने हिलाते ना, अपनी उंगली तो अपने हिलाएंगे, तुम्हारी तुम हिलाओगे, हमारी हम हिलाएंगे। अनंत पुद्गल द्रव्य के परमाणुओं का परिणमन है और ये हिलना उसकी क्रिया है, तो इस क्रिया का कर्ता कौन है? कि ये जो क्रिया हो रही है ये किसकी है? कि ये पुद्गल की है। तो फिर पुद्गल की इस क्रिया का कर्ता कौन है? फिर तुम कहां से कर्ता बन रहे हो? तुम क्यों कर्ता बनते हो बोलो? अरे आचार्य कह रहे हैं भाई, ज्ञान में जानने में क्या तकलीफ हो रही है तुम्हें? जैसा वस्तु का स्वरूप है उसको जानने में क्या तकलीफ हो रही है? अब देखो असल में क्या है दिक्कत, हम सोचते हैं हाथ ऐसा करो तो ऐसा हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वही भेद ज्ञान है ना वहां, कि तुमने सोचा हाथ ऐसा करूं तो सोचना तुम्हारा काम और हाथ का ऐसा होना इस शरीर का काम। तो दो चीजों को, दो द्रव्यों की दो क्रियाएं हैं, तो दोनों को भिन्न भिन्न तो मानो, भले उसी काल में हो रहा है काम, तुम्हारी इच्छा के अनुकूल हो रहा है, होने तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही निमित्त निमित्त एक संबंध है देह का और आत्मा के साथ वर्तमान में, देह का और आत्मा का वर्तमान में ऐसे ही निमित्त निमित्त एक संबंध है, इसी को निमित्त निमित्त एक संबंध कहते हैं, कि आत्मा परिणाम करता है और उसके अनुकूल देह का परिणमन होता है, होता है, ये निमित्त निमित्त एक संबंध है, इसी को, इसमें कर्म का उदय भी प्रति समय अपना काम कर रहा है, इच्छा के अनुकूल परिणमन हुआ तो उसमें उस प्रकार के कर्म का उदय भी काम कर रहा है। अब आधे शरीर में लकवा हो गया, अब वो आधा शरीर तुम्हारी इच्छा के हिसाब से प्रणमन नहीं कर रहा, तो उसमें कर्म का उदय काम कर रहा है उसमें निमित्त, और तुम इच्छा कर रहे हो तो भी शरीर प्रणमन नहीं कर रहा। और तो इसमें ये समझना चाहिए कि जब इच्छा के अनुकूल प्रणमन नहीं कर रहा है, बुखार खान दूर करने के लिए गोली खा रहे हैं और बुखार दूर नहीं हो रहा है, तो समझना इसमें कर्म का उदय का जोर है, तुम्हारी इच्छा मिक्षा काम नहीं आती, और अनुकूल इच्छा के परिणमन हो गया तो कर्म का उदय तुम्हारे अनुकूल है, भाई इससे ही तो पता पड़ता है, इच्छा के अनुकूल काम हो रहा तो अनुकूल कर्म का उदय है, और इच्छा के अनुकूल काम नहीं हो रहा तो प्रतिकूल कर्म का उदय है, तुम्हारा कुछ नहीं है उसमें। तुम सोचते हो वैसा परिणमन कर जाए, हम तो सोचते हैं आकाश में उड़ जाऊं पक्षी की तरह, उड़ जाओ, उड़ सकते हो बोलो, तो सब काम कहां अपने इच्छा के हिसाब से होते, बुढ़ा ना हो मत हो, ये तुम बुढ़े क्यों हो रहे हो बता, क्यों हो रहे हो जवाब दो, तो तुम्हारे सोचने से बुढ़े हो रहे हो क्या? उसका शरीर का परिणमन है सो हो रहा है, तुमने क्या कर लिया उसमें? तो कोई सारे शरीर के परिणमन तुम्हारे इच्छा के अनुकूल ही परिणम जाएंगे ऐसा भी? फालतू अहंकार करता रहता है, थोड़ा परिणमन इच्छा के अनुकूल होता है सो सोचता है मैं करता हूं, और अनंत परिणमन इसकी इच्छा के बिना ही हो रहा है सो समझ में नहीं आती इसको, ये श्वास आ रही है और जा रही है तुम सोच सोच के लेते होगे, क्यों? कहीं एक भी श्वास आना बंद हो जाए तो क्या होगा तुम्हारा? श्वास आना बंद हो जाए, अपन रात में सो गए और सांस लेना भूल गए तो क्या होगा बोलो? क्या होगा? तो सो मत फिर। सांस ज्यादा कीमती है ना भाई, सांस नहीं आई टाइम पे तो चले जाएंगे, तो सोगे और फिर नहीं आई तो ध्यान रखो, एक एक सांस का ध्यान रखो, आ रही कि नहीं आ रही, क्यों? तो तुम्हारे ध्यान रखने से चलेगा कार्यक्रम, इसको इतना आवश्यक है कि एक श्वास के बिना जीवन नहीं चलेगा, इतनी जरूरी है श्वास, दिल धड़क रहा है, एक सेकंड एक मिनट में कितनी बार धड़कता है उसका नियम है, तो उतनी बार धड़क रहा है, और कहीं नहीं धड़का तो गए,
अरे भैया फिर तो ध्यान रखना पड़ेगा। क्या रखो ध्यान, धड़काओ इसको अपने हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से धड़केगा और तुम्हारी चिंता करने से कुछ होगा? बोलो। तो बहुत सारी व्यवस्थाएं अपन ने वस्तु की व्यवस्था के ऊपर ही छोड़ रखी है, तो सब व्यवस्था वस्तु की व्यवस्था के ऊपर छोड़ दो, निश्चिंत हो जाओ, बात खत्म। वो तो हमने सब एक काम इनको सौंप दिया, एक इसको सौंप दिया, एक इसको सौंप दिया, सब काम सबको सौंप दिए, खाली तिजोरी हमने अपने पास रखी है, चाबी बस तिजोरी की। क्या सब काम सौंप दिए सबको, खाली वो चाबी एक अपने पास रखी है बस, और कुछ नहीं। फिर सब सौंपा कहे जे तो बता, कहां सौंपा है सब? फिर थोड़ा कुछ कुछ बोझ हमने अपने माथे रख लिया, बाकी सब सौंप दिया। अरे वो कुछ नहीं है, वो पूरा बोझ तेरे माथे है, बातें बनाता है, कुछ सौंप दिया कि बैंक का काम ये निपटाएगा, ब्याज का काम ये निपटाएगा, दुकान का काम ये निपटाएगा, घर का काम ये निपटाएगा, सबके काम सौंप दिए। और तू कि तू सबके ऊपर कमांडर बन के बैठा है, समझ में आया कि नहीं बात? वो सबका जितना काम है ना, वो सबका कमांडर तू है, तो सबका बोझा तूने अपने माथे लेके रखा है और कहता है हम निर्भर हो गए। ऐसे हुआ जाता है निर्भर? निर्भर है कि सबसे ज्यादा भार अपने माथे पर है? और फिर कहता है आत्मा के हित में मन नहीं लगता, उपयोग नहीं लगता, चिंतन में नहीं लगता, मंथन में नहीं लगता है? ख्याल में ही ना बात, बोलो। ऐसे काम नहीं, निर्भर बोझा है ही नहीं कुछ। आग लग जाए मेरे आंखों के सामने सारे घर में तो भी विकल्प नहीं आना चाहिए, इतनी निष्प्रहता होगी तो उपयोग चित्त अंदर में जाने के लिए समर्थ होगा, नहीं तो मर जाओगे, चित्त अंदर में नहीं जाएगा, भागता रहेगा, दौड़ता रहेगा, बंधा रहेगा, ऐसा भागता रहेगा, नहीं बचा सकते, जीवन पूरा हो जाएगा, आत्मा का हित नहीं होगा, नहीं होगा और नहीं होगा, निर्भर होना पड़ेगा। और ये तत्व ज्ञान निर्भर होने के लिए है, यदि ये तत्व ज्ञान होने के बाद भी जीव निर्भर नहीं हुआ तो हम महा अभागे हैं, समझ लेना। इससे बढ़िया अमृत अब जीवन में पीने को इस काल में नहीं मिलने वाला, अब ऊपर से सर्वज्ञ भगवान नहीं आ रहे अब इस काल में, ये तो जो साधन है कुआ बावड़ी नदी तालाब इनसे ही काम चला लो, स्वयंभू अमर समुद्र नहीं मिलने वाला तुम्हें अभी, समझ में है ना बात? जो है उससे काम चलाओ और अपना काम करो, ऐसी बात है। चलो और विशेष फिर चलाए।